सुकनी, सुकनी, क्या हुआ विक्रम? सुनी और आदित्य का वो तो निकल गए, मैंने ही बोला जल्दी निकलो, वो रास्ता खराब है, पहुंच रहे होंगे, क्यों? सुनो, सवारी मिलेगी? नहीं, किसी और के लिए। किसके लिए है? हमारे ठाकुर मालक के लिए। ठाकुर मालक, जिंदगी की लड़ाई ही जो है कि रखले वालों पैसों पर जिंदगी नहीं बितानी। जन्म क्या? बच्चा जन्म क्या? प्यार करने लगे हैं तुमसे। हम वचन देते हैं तुम्हें कि एक दिन सही समय आने पर हम तुमसे ब्याह करेंगे। बजा के पटक पुटका कर आपने दिखाया है कि कितना मजबूत है आपका प्यार, आपका हमसे रिश्ता। किसी राज में इतनी ताकत नहीं है कि हमें आपसे दूर कर सके। मान लो कि हमारी एक बीवी है जो जिंदा है, वो रीवा मंदिर में रहती है, क्या करोगी अगर ये सच निकला? तो हम अपनी जान दे देंगे। हमारे ठाकुर वाला गलत हो ही नहीं सकते, छूटे हो ही नहीं सकते। साहिब की पत्नी, इस हवेली की ठकुराई, सोलह लाख एक, 16 लाख दो, 16 लाख, 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख। सर ढकाई के बाद तुम सुगनी को सीधा हवेली लेकर आओगे। वो हमारी अमानत है, हम चाहते हैं हमारी आंखों के सामने रहे। सुगनी प्यार है हमारा, हम शादी करना चाहते हैं सुगनी से। प्यार? जी प्यार नहीं, पागलपन है। आप हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। हमारे कहने पर इन्होंने हमसे ब्याह किया और अब हम पति पत्नी हैं। अगर हमारे साथ रिश्ता निभाया होता तो इसी तरह से होते हम दोनों।
प्यार से अपनी पति की परेशानियां दूर करना चाहती हूँ। ठीक, अपनी एक रात हमारे नाम कर दो। इनके साथ एक ही बिस्तर में थी। कोई जवाब नहीं, इसका मतलब हाँ। गिड़गिड़ाते रहे, भीख मांगते रहे कि हम निर्दोष हैं, लेकिन कोई नहीं माना। लेकिन वही बात, अगर विक्रम ठाकुर कहे तो सब मान जाएंगे। अब जितना हमें मालक से दूर करना चाहते हैं, हम उतना ही उनके पास चले जाते हैं। अब हमारी इज्जत सोनी को पाने की वो गलत है, जाकर भी वो हमारी नहीं हो सकती। भगवान ने उसको तुम्हारे लिए बनाया। आज आदित्य की जिंदगी का आखिरी दिन होना चाहिए। तुमने हमारे मालक की जान लेने की कोशिश की। तुम हमारा सुहाग नहीं उजाड़ सकते, पहले तुम्हें हमारी जान लेनी होगी, हमें मारना होगा। सुखी हटो रास्ते से। और लंबा घूंघट खींच लेती थोड़ा। समय की रफ्तार को रोकना संभव है। होने को कुछ पल के लिए टालना भी संभव है, पर होने को रोकना असंभव। जो होनी है वो होकर रहेगी। जैसे एक होनी अभी होने जा रही है, हे सीता मैया, बस इतना और करना कि हम अपने सिंदूर के साथ ही जिए और उसके साथ ही मरे। क्या हुआ? बाकी सब लोगों ने तो हमारी सुहागरात की तैयारियां कर ली हैं। अब लगता है ये मौसम भी हमारी सुहागरात की तैयारियों में लग गया। बिजली का कड़कना, बादल का गरजना, ये एकांत और तुम्हारा साथ, सुहागरात का सारा सामान है हमारे पास। गए उस जगह जाकर जिंदगी खत्म होती है।
क्या हुआ विक्रम ठाकुर? एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई। कुछ नहीं होने देंगे आपको। आदित्य की जिंदगी का आखिरी दिन होना चाहिए। हमें आप से क्या रोकना होगा? ये फोन का है नहीं लग रहा। सोचा था निकलने से पहले ठाकुर मालिक से बात कर लेते। आप क्या करनी है? काम तो पूरा करना ही है ना। ऐसा करते हैं, ठाकुर मालिक को SMS कर देते हैं, हम काम को अंजाम देने निकल रहे हैं, काम पूरा होने के बाद बात करेंगे। जय हो सीता मैया की।
की पट्टी के नीचे लगे बोला मेरी गाड़ी मिल गया सुन चलो चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और वो है ना उधर लगाना वो दीवार पे बिल्कुल सामने ताकि आते ही वो लोग हैरान हो जाए उन्हें भी पता चले कि जो कमरा उनके नाना का हुआ करता था आज के बाद उनका है रीबा क्या हुआ ये क्या हुआ तुम्हें ये घाव कैसा सच बताया तो घर से बाहर कर दी जाऊंगी क्या करूं क्या कहूं इनसे अब इतना सोच क्या रही हो हमारी समझ में नहीं आ रहा आसा कि हम आपको कैसे बताएं कैसे बताएं का क्या मतलब है रीवा आसा की ये चोट हमें साहेब ने इनाम में दी है उन पर सुगनी नाम का भूत इस कदर सवार होके है कि वो आदित्य की जान लेने पर तुल गए क्या बकवास कर रही हो तुम सारी हकीकत खुद ब खुद सामने आ जाएगी बस है साहिब से आदित्य और सुगनी की सुहागरात बर्दाश्त नहीं हो रही थी इसलिए साहिब आदित्य की जान लेने जा रहे हैं फार्म हाउस ये तुम क्या कह रही हो विक्रम ऐसा नहीं कर सकता हमने साहिब को रोकने की बहुत कोशिश की बस है पर उनके गुस्से ने हमारी ये हालत कर दी गोली चला दी हम पर उन्होंने सुगनी और आदित्य कहाँ हैं वो तो निकल गए मैंने ही बोला जल्दी निकलो वो रास्ता खराब है पहुंच रहे होंगे क्यों नहीं 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 क्या हुआ आदित्य